गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9 लेसन पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने आई की मात्रा सीखी थी ना, आज हम लोग लेसन पढ़ते हैं निकली मैना सैर पर। ठीक है, मैना ये क्या है, एक बर्ड है, और सैर यानी कि घूमना, यानी कि मैना जो है वो घूमने निकली है। उसकी पोएम दी हुई आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, देखिए यहाँ क्या है, छोटा सा तालाब है, उसमें एक बोट है, नाव, फिर ये बतख तैर रही है, ये बगुला है, ये मछली फिश, और ये क्या है, पंछी है, और ये देखिए मैंगो का पेड़ है, आम का पेड़ है, देखिए फिर यहाँ पे दूसरे फल का पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे चारों ओर ग्रीनरी है, पेड़ है। अब हम पोएम समझते हैं। म में ऐ की मात्रा मई, न में आ की मात्रा ना, मई ना, एक एक, स में ऐ की मात्रा सई, र से पर पर, न में छोटी की मात्रा नी, क ल में बड़ी की मात्रा ली। मैना एक शैर पर निकली, यानी कि मैना जो है वो शैर यानी कि घूमना, घूमने निकली है। अ पर, न में एक की मात्रा ने, अपने, पर पर, फ में ऐ की मात्रा फई, ल में आ की मात्रा लाए, फैलाए, अपने पर फैलाए, पर यानी कि पंख, जो बर्ड्स के होते हैं ना पंख, वो यानी कि मैना घूमने निकली है और अपने पंख फैला के, यानी कि उड़ती है तो पंख फैलाती है ना, तो वो पंख फैला के घूमने निकली है। त में आई की मात्रा तय, र त में बड़ी की मात्रा ती, तैरती, न में आई की मात्रा नई, य में आ की मात्रा या नैया, पर पर, ब में आई की मात्रा बैठ, न में आ की मात्रा ना, बैठना, तैरती नैया पर बैठना, उ स में ए की मात्रा से, उसे, ब ड में आ की मात्रा डा बड़ा, म न मन, भ में आ की मात्रा भा ए भाए, तैरती नैया पर बैठना उसे बड़ा मन भाए, मन भाए यानी कि अच्छा लगता है, यानी कि मैना शहर पे घूमने निकली है, अपने पंख फैला के, और तैरती नहीं है यानी कि बोट जो होती है नाव छोटी छोटी, वो क्या करती है पानी में तैरती है ना, तो वो तैरती नैया में बैठना मैना को बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर में देखा ना, देखिए पानी पे तैर रही है ना बोट, तो वो उस पर उसको घूमना बैठना बहुत ही अच्छा लगता है मैना को। आगे देखिए, म छ ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली, त में ऐ की मात्रा तई, र में ए की मात्रा रे, तई रे, प में आ की मात्रा पा, न में बड़ी की मात्रा नी, पानी, म में ए की मात्रा में, मछली तैरे पानी में, यानी कि मछली कहाँ तैरती है, हमेशा पानी में ही तैरती है ना। म में आई की मात्रा मई, द में आ की मात्रा दा, न मैदान, उ स में एक की मात्रा से, उसे, न में आ की मात्रा ना, भ में आ की मात्रा भा ए, मैदान उसे ना भाए, यानी कि मछली तो हमेशा पानी में ही रहती है, 24 घंटे पानी में ही तैरती है, तो उसको मैदान में घूमना या फिर खेलना अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से हम लोग मैदान में खेलते हैं ना, तो वो मछली को अच्छा नहीं लगता है। ख ड में आ की मात्रा डा खड़ा, क में छोटी की मात्रा की, न में आ की मात्रा ना, र में ए की मात्रा रे की ना रे, स में आई की मात्रा सही, त में आ की मात्रा ता, न शैतान, ब घ में छोटा उ की मात्रा गु, ल में आ की मात्रा ला बगुला, उ स पर उस पर, न में छोटी की मात्रा नी, ग में आ की मात्रा गा ह निगा, ल ग में आ की मात्रा गा ए, खड़ा किनारे शैतान बगुला उस पर निगाह लगाए, यानी कि जब पानी में मछलियाँ तैर रही होती है ना, तो क्या करता है बगुला, खड़ा किनारे यानी तालाब के किनारे खड़ा होके शैतान क्यों, क्योंकि वो मछली पकड़ पकड़ के खा जाता है, इसलिए उसको शैतान कहा है, उस पर निगाह लगाए, निगाह यानी कि नज़र लगा के बैठा है कि कब मछली निकले और तुरंत वो उसको पकड़ के खा जाए, इसलिए उसको शैतान कहा गया है। तो देखिए पोएम में हमने क्या क्या सीखा, एक तो ऐ की मात्रा हमने सीखी, ठीक है, दूसरा देखिए पोएम में क्या था कि मैना घूमने निकली है अपने पंख फैला के, और तैरती नैया में बैठना उसको बहुत ही अच्छा लगता है, मछली पानी में रहती है उसे मैदान अच्छा नहीं लगता है,
और किनारे पे बगुला खड़ा है, मछली पे निगाह लगाए उसको मारने के लिए। ठीक है, तो इस पोएम में इतना था, पर हमें इस पोएम से क्या सीखना है कि हम कभी भी सैर करने, देखो घूमने जाए तो हमें ध्यान रखना होता है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कभी भी अकेले नहीं जाना है, ये सब हमें ध्यान रखना पड़ता है ना उसी तरह से। ठीक है, तो आप देखिए पेज नंबर 62 पर अब पोएम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है। यहाँ पे देखिए, एक शब्द में उत्तर दो, यानी कि वन वर्ड में हमें यहाँ पे आंसर लिखने। फर्स्ट क्वेश्चन, सैर पर कौन निकली, यानी सैर पर यानी घूमने कौन गया था, मैना। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आएगा मैना। वह कहाँ बैठना चाहती थी, तो यानी मैना कहाँ बैठना चाहती थी, तैरती नैया में। मछली को क्या नहीं भाया, यानी मछली को क्या अच्छा नहीं लगता है, मैदान अच्छा नहीं लगता है। बगुला कैसा था, कैसा था बगुला, शैतान था। ठीक है, ये आपको पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, उसमें से देख देख के बोल बोल के यहाँ पे लिखना है, आपको पोयम भी पूरी रीड करनी है, वन वर्ड वर्ड रीड करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, चित्र देकर कविता की पंक्तियाँ लिखो, यानी कि ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि पिक्चर यहाँ पे दिए ना, वो देख के आपको पोयम में से पोयम की लाइन लिखनी है उससे रिलेटेड, यानी कि मैना है ये पिक्चर, तो मैना वाली लाइन हमें यहाँ लिखनी है कि निकली मैना शेर पर अपने पंख फैलाए, वो वाली लाइन यहाँ पे लिखेंगे। फिर ये देखिए मछली का पिक्चर है, तो मछली वाली लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि मछली तैरे पानी में, मैदान उसे न भाए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, बोट है, नाव, नाव को उसे क्या था उसकी लाइन, तैरती नैया में बैठना उसके मन को भाए, वो लाइन आएगी। फिर ये देखिए कौन है, बगुला है, तो बगुला वाली लाइन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, वर्ण जोड़कर शब्द बनाओ, यानी कि हमें मैच करना है, वर्ण जोड़कर यानी कि जोड़ के हमें लिख देना है। देखो पहला तो ये है लेटर, उसमें ये सारे एक एक करके जोड़ के हमें यहाँ वर्ड बनाने, जैसे कि मई और च, तो मैच यहाँ पे वर्ड बना दिया, तो ऐसे ही मैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों मिला के। फिर मई दा न, तो ये मिला के यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ देखो शर, तो यहाँ पे आएगा शहर, फिर शैल, तो यहाँ पे आएगा सैनिक, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरह से मिला के आपको लिखना है। अब देखिए पेज नंबर 64 पर, ए और आई के शब्द अलग अलग करो, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए उसमें ए वाले भी है और आई वाले भी है, तो दोनों को अलग अलग करना है। यहाँ देखिए ए की मात्रा है, तो यहाँ पे सारे ए वाले वर्ड लिखने, यहाँ पे आई है तो आई वाले वर्ड लिखने, जैसे कि रेशम है वो ए में आएगा, और ये क्या है कैलाश, तो वो कहाँ आएगा, आई में आएगा। उस तरह से हमें वर्ड सारे अलग करने हैं। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप होमवर्क में करना एक्टिविटी। ठीक है, ये कार्ड शीट से हमें चिड़िया बनानी है, फिर बीच में माची से ज्वाइंट करके यहाँ पे पूरा लिखा है कैसे बनानी है। ठीक है, ये आपको घर पे ट्राई करनी है होमवर्क में। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 65 पे देखिए, मेरी नैया, यहाँ पे छोटी सी पोयम दी है, नानी ने दी लाकर मुझको छोटी सी कागज की नैया, दादा बैठे, दादी बैठी, दीदी बैठी, बैठे भैया, लगी तैरने झट पानी में, छप 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 मेरी नैया। यानी कि यह वो देखिए एक बच्चा है जो नाव तैरा रहा है, तो वो एक पोयम गा रहा है कि नानी ने दी लाकर मुझको छोटी सी कागज की, यानी ये बच्चे की नानी ने उसको एक छोटी सी बोर्ड बना दी है कागज की, तो वो बोर्ड में किसको किसको बैठा रहा है, दादा बैठेंगे, दादी बैठेगी, दीदी बैठेगी, भैया भी बैठेंगे उस बोट में। फिर वो तुरंत उसकी बोट क्या है, झट से तैरने लगेगी, और उसकी बोट क्या करेगी, छप 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 पानी में करके आगे बढ़ेगी। इस तरह से पोयम दिया। पर यहाँ पे देखिए एक एक्सरसाइज है, पानी में क्या तैरेगा और क्या नहीं, राइट लगाकर बताओ, यानी कि यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए, क्या तैरेगा क्या नहीं तैरेगा उस पर हमें टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अखबार, न्यूज़पेपर, कागज तो तैरता ही है पानी में ना, तो ये तैरेगा। ठीक है, ये क्या है, पत्थर, पत्थर नहीं तैरेगा, इसमें टिक नहीं करना है। ये क्या है, नाव, तो ये तो तैरता ही है। फिर ये देखिए कौन है, बतख, ये भी तैरती है। फिर कपड़े, कपड़े भी तैरते हैं। फिर ये क्या है, कील है, ये नहीं तैरेगी। ठीक है, फिर ये क्या है, पेंसिल, पेंसिल तैरेगी, लकड़ी की होती है ना पेंसिल, इसलिए। ये क्या है, लीफ, पान है ना, ये भी तैरेगा। और ये क्या है, ईंट, ये नहीं तैरेगा। ठीक है, तो इतना तक ही हमें करना है। थैंक यू।